कुछ दिनों पहले चाइना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के ऑफिशियल न्यूज़पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेली में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि चाइना के टेलीस्कोप ने कुछ रहस्यमय सिग्नल डिटेक्ट किए हैं। ये ऐसे नैरोबैंड सिग्नल थे जो किसी आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट द्वारा ही निकलते हैं, इसलिए ऐसा माना गया कि ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी द्वारा भेजे गए सिग्नल हो सकते हैं। ये सिग्नल्स चाइना के फास्ट टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किए गए थे। यह टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और इसका डायमीटर 500 मीटर है। इस टेलीस्कोप को स्काई आई कहा जाता है। इसे 2011 में बनाना शुरू किया गया था। इसे बनाने में 5 साल लगे और 3 जुलाई 2016 को इसने फर्स्ट लाइट ऑब्जॉर्व की। 3 सालों की टेस्टिंग के बाद इसे 2020 में पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया था। इसी साल वैज्ञानिकों ने इस टेलीस्कोप की मदद से एलियन लाइफ को खोजना शुरू किया था। 2020 में भी इस टेलीस्कोप ने कुछ रहस्यमय सिग्नल को डिटेक्ट किया था और इस साल भी ऐसे ही सिग्नल डिटेक्ट किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के मिस्टीरियस सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा रहा है। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप ने एक बहुत ही नैरो बैंड सिग्नल को डिटेक्ट किया था। यह सिग्नल सैगिटेरियस कॉन्स्टेलेशन से आया था। एस्ट्रोनॉमर जेरी इमान इस सिग्नल को एनालाइज कर रहे थे। इस सिग्नल की इंटेंसिटी ने उन्हें इतना इम्प्रेस किया था कि वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने इस सिग्नल के प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया और तभी से यह सिग्नल वाव सिग्नल के नाम से फेमस है। आसमान के जिस हिस्से से यह सिग्नल डिटेक्ट हुआ था वहां पर कई बार खोजबीन की गई, लेकिन हर बार वैज्ञानिकों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। एलियन से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश बहुत पहले से ही की जा रही है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारी मानव सभ्यता को एलियन से ठीक से कॉन्टैक्ट करने में 4 लाख साल लग जाएंगे। अगर बात करें चाइना के फास्ट टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किए गए सिग्नल की, तो इस पर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। सिटी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले वैज्ञानिक डैन व डायमंड ने बताया कि ये सिग्नल्स एलियंस द्वारा नहीं बल्कि हम पृथ्वीवासियों द्वारा उत्पन्न किए गए रेडियो पोल्यूशन से प्रोड्यूस हुए हैं। हम सभी जो मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी या रडार का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कुछ रेडियो तरंगें निकलती हैं, जिसे रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस कहा जाता है। डैन व डायमंड ने बताया कि ये सिग्नल्स इस टेलीस्कोप के आसपास मौजूद इस तरह के डिवाइसेस से ही उत्पन्न हुए होंगे। चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर की वेबसाइट से उस रिपोर्ट को हटा दिया गया है जिसमें यह दावा किया गया था कि चाइना के टेलीस्कोप ने एलियन सिग्नल को डिटेक्ट किया है। ऐसा क्यों किया गया है इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जब तक इस रिपोर्ट को वेबसाइट से डिलीट किया गया उससे पहले ही यह न्यूज चाइना के सोशल मीडिया नेटवर्क वेबो पर ट्रेंड कर रही थी। वेबो चाइना का एक सोशल मीडिया नेटवर्क है जो चाइना में उसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है जैसे हम ट्विटर या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जल्दी ही यह न्यूज़ दुनिया भर में फैल गई और पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी इस सिग्नल के बारे में बातें कर रही है। आप इस सिग्नल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।